So this is the Deezo Watch R, a super hyped smartwatch, super duper hyped smartwatch. But क्या really में अपने price के हिसाब से worth होगा ये? वैसे हो चुके हैं पूरे 48 hours. तो दोस्ती कर लिए मैंने इसके साथ. अब बताते हैं सारे अंदर के राज. देखने में वैसे एकदम stylish है, premium है और aluminium की body है इसकी और AMOLED panel के साथ एकदम sharp visible है direct sunlight में और कोई भी तरह के issues नहीं आते हैं. और resolution भी screen की काफी ज्यादा मस्त है यहाँ पे. Display ऊपर से curved है ना, तो देखने में काफी मस्त सा लगता है. और display के ऊपर कोई protection नहीं है यहाँ पे. But bezels भी काफी मोटे मोटे यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं इन्होंने इस बार. साइड में दो बटन आपको देखने को मिलते हैं, इनको प्रेस करके आप मेन्यू में स्विच कर सकते हैं और दूसरे वाले बटन से आप शॉर्टकट मेन्यू की तरह उसको यूज कर सकते हैं डायरेक्ट वर्कआउट में स्विच करने के लिए. ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के यहाँ पे सिर्फ दो फेसेस देखने को मिलते हैं, एक एनालॉग है एक डिजिटल है. और ज्यादा रहते तो ज्यादा बेटर था, बट दुनिया भर के वॉच फेसेस आपको डीजो एप्लीकेशन में देखने को मिल जाते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके वहाँ पे सेट कर सकते हो. तो चलो अभी तक तो पूरा दिल जीत लिया है इसने, बट वॉट अबाउट द वर्कआउट मोड्स? वर्कआउट मोड्स में नंबर पूरे लाया है, पूरे 110 स्पोर्ट्स मोड्स के साथ आया है. बट एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करता है प्रैक्टिकली, लेट्स परफॉर्म सम आउटडोर वर्कआउट्स इन इट. ओके, तो इस वाले वॉच मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि वर्कआउट के टाइम पे आप लाइक स्वाइप करके म्यूज़िक चेंज नहीं कर सकते अगर आप प्ले कर रहे हो तो. ये मतलब सारे स्मार्ट वॉचेस में ये लाइक बेसिक फीचर जो रहता है वो इसमें नहीं है. यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि GPS के साथ इसका डेटा सिंक नहीं होता, तो आपके फ़ोन GPS के साथ ये सिंक नहीं हो पाएगा. तो आपको स्टेप्स एक्यूरेसी प्लस डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा आपने, कितने के स्पीड पर आप दौड़ रहे थे या साइकिलिंग कर रहे थे, वो सारे मोड्स इसमें लाइक यूजलेस से हैं. मतलब आउटडोर वर्कआउट उतना भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है यहाँ पे. चलो मैं आपको दो फन फैक्ट बताता हूँ यहाँ पे. दूसरा वाला फन हो या ना हो, बट पहला वाला डेफिनेटली है. ये वर्कआउट के बीच में ही क्रैश हो गया, ये डार्क हो गया इसका स्क्रीन. और मतलब 30 मिनट्स तक इसने रिकॉर्ड करा वर्कआउट और उसके बाद फिर ये बंद हो गया था, वाइब्रेट कर रहा था. मैंने बहुत सारे गोल पेज लगाए लाइक चार्जिंग वार्जिंग वगैरह हिट करके देखा, लेकिन ऑन नहीं हो रहा था. फिर लास्ट में ऐप में जाकर के ऐप से कनेक्टेड शो कर रहा था. मैंने फैक्ट्री सेट करा इसको, फिर ये ऑन हो गया जाकर. तो अभी तक के लिए वर्कआउट के लिए तो डेफिनेटली ये बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है, काफी ज्यादा अनस्टेबल है यहाँ पे. अब दूसरा वाला फन फैक्ट ये है, ये फन हो भी सकता है नहीं भी. मैंने अपना फोन यहाँ पे क्रैक कर लिया, आपको दिख रहा होगा. तो देखो ये दिख रहा है हल्का सा क्रैक यहाँ से, पूरा ये पूरा स्क्रीन ऊपर का क्रैक हो गया था. मेरे ग्रुप वाले बंदे पूरे खुश हो गए होंगे, टेलीग्राम ग्रुप वाले, अब भाई चेंज करेगा फोन. पिछले 2 साल से मैंने इस फोन को अच्छे से रखा था, भाई क्रैक हो गया, टूट गया ये फोन मेरा. अब वो भी इसलिए टूटा मेरी गलती से नहीं, सामने वाले अंकल जी ने बाइक अचानक से मोड़ दिया, मैं साइकिल पे जा रहा था भाई, मैं गिरा ले देखे साइकिल से ही, फोन भी बेचारा हाथ में था, गिर गया नीचे. स्टेप्स मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो स्टेप्स मॉनिटरिंग में थोड़ा सा ये इनकंसिस्टेंट है. और हाँ, आप बैठे बैठे हाथ वेव करोगे जैसे हम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इन दैट केस ये काउंट कर लेता है उसको एज ए स्टेप्स मॉनिटरिंग में, लाइक स्टेप्स बढ़ जाते हैं. वैसे आप भी एक नंबर इंक्रीज कर सकते हो सब्सक्रिप्शन का, एक सब्सक्राइब मार दो मेरे चैनल के लिए. हैंड जेस्चर से याद आया कि इसमें लिफ्ट रिस्ट टू वेक वाला फंक्शन भी है जो फटाफट से काम कर जाता है. और जब भी कभी आप लिफ्ट करोगे रिस्ट को तो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे, आई मीन जो स्क्रीन है वो वेकअप हो जाता है. वैसे तो स्विमिंग नहीं आती है इसको, बट आपको स्विमिंग जरूर कराएगा वर्कआउट मोड्स में ले आकर के. और 5 ATM की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग लेकर के भी आया है, इट मीन्स कि 50 मीटर के डेप्थ तक जाकर के ये अप टू 30 मिनट्स तक सर्वाइव कर जाएगा वाटर के अंदर, खराब नहीं होगा. और ये 45mm वाला वेरिएंट है, और इनका मतलब 45mm वाला वेरिएंट ही आता है. तो सिर्फ गोरिल्ला रिस्ट्स पे ये मस्त लगेगा, लाइक मोटे वाले रिस्ट्स पे. अगर आपका मीडियम रिस्ट है तो थोड़ा ठीक लगेगा, मेरे पे थोड़ा ठीक लग रहा है. थिन रिस्ट वाले तो एकदम भूल जाओ भाई, थिन रिस्ट पे एकदम बेकार लगेगा ये. वैसे स्ट्रैप्स तो इसके काफी सॉफ्ट क्वालिटी मटेरियल के बने हुए हैं, तो आपको स्किन इरिटेशन या फिर रैशेस वगैरह कॉज नहीं होंगे, काफी कंफर्टेबल से हैं. वैसे इसने मेरे से दोस्ती की तो मेरे फोन से भी दोस्ती कर ली. आपको इसमें सारे ऐप्स और मैसेज के नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, प्लस जितने भी ऐप्स आपने फोन में इंस्टॉल कर रखे हैं आप सारे के नोटिफिकेशंस इसमें कैच कर सकते हो. प्लस अगर आपको कभी कॉल आता है, इन दैट केस आप कॉल को साइलेंट कर सकते हो और कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो. प्लस कॉलर आईडी आपको वहाँ पे शो हो जाएगा, मतलब जिस नंबर से कॉल आ रहा है या फिर कॉन्टैक्ट नेम जो सेव कर रखा है आपने. साथ ही साथ इसमें आपको म्यूजिक कंट्रोल्स ही मिल जाते हैं, तो आप प्ले पॉज नेक्स्ट ट्रैक प्रीवियस ट्रैक गाना घटाना बढ़ाना वॉल्यूम वगैरह सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे, मतलब इससे कंट्रोल कर सकते हो. अब भाई दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी, बट ये दोस्ती नहीं निभा रहा है. हेल्थ मॉनिटरिंग पार्ट में ये काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट डेटा प्रोवाइड कर रहा है. मेरे पास ऑनर बैंड 6 है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का स्मार्ट बैंड है, उसे मैंने कंपेयर करके देखा तो हार्ट रेट वो कहाँ 100 के ऊपर दिखा रहा है और ये भाई
80-70 पे अटका हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो गलत दिखा रहा है, वो सही दिखा रहा है, बट ये काफी ज्यादा लो दिखा रहा है यहाँ पे। मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि इसका हार्ट रेट का जो सेंसर है वो एक्यूरेट तो डेफिनेटली नहीं है, और SpO2 का सेंसर जो है वो भी थोड़ा कम ज्यादा परसेंटेज आपको दिखा रहा है, तो आप इस पर रिलाई एकदम नहीं कर सकते, और मैं बोलूंगा डेफिनेटली ये मतलब बेकार है। अब स्लीप मॉनिटरिंग पे आते हैं, तो स्लीप मॉनिटरिंग के लिए मैंने Honor Band 6 यूज करा है, क्योंकि Honor का खुद का Huawei का ट्रू स्लीप का एल्गोरिदम है जो लाइक वन ऑफ द बेस्ट फिटनेस ट्रैकर है, और स्लीप मॉनिटरिंग एकदम बेस्ट रिकॉर्ड करता है। उसके कंपेरिजन में इसका डेटा बिल्कुल भी टैली नहीं कर पा रहा है, ओवरऑल स्लीप का टैली कर जा रहा है 10-15 मिनट का डिफरेंस है, बट जो डीप स्लीप है, लाइट स्लीप है, REM है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। ओवरऑल आप इसको लाइक देख सकते हो, बट उतना मैं एक्यूरेट तो डेफिनेटली नहीं बोलूंगा यहाँ पे स्लीप मॉनिटरिंग में ये। वैसे किसने सोचा था कि एक दोस्त धोखा दे जाएगा दूसरे दोस्त को, बट कोई बात नहीं यार, समझ सकते हैं। ये सब तो ठीक है, बट कुछ चीजों में हमें इसके लक्षण कुछ खास ठीक नहीं लग रहे हैं। नंबर 1, बैटरी लाइफ। मैं इसको यूज कर रहा हूँ 2 दिन से, और पहले 1 दिन में इसकी बैटरी 60% तक गिर गई थी, और ये मैक्स टू मैक्स 2 दिन तक ही चल पाता है, लाइक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह अगर आप ऑन रखोगे तो, और अगर आप नॉर्मल भी यूज करोगे ना तो मुझे लगता है ये 4-5 दिन तक मैक्स टू मैक्स चल पाएगा अगर अच्छे से यूज करते हो तो। बट इसकी एडवर्टाइज बैटरी लाइफ है 12 दिन की, जो डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिफरेंस है लाइक रियल यूसेज में और जो आपका एडवर्टाइज बैटरी लाइफ है उसमें। और यूट्यूब पे भी बहुत लोगों ने अपलोड कर दिया वीडियो कि ये बैटरी इसकी काफी कम चल रही है। नंबर 2, यूजर इंटरफेस उतना भी कुछ खास नहीं है, लाइक उतना बेस्ट नहीं है। आप यूज करोगे तो आपको लैग मिलेगा यूज करने में, थोड़ा फसा फसा टाइप का फील होगा, बट ओवरऑल सारी चीजें पॉलिश्ड है, लाइक आइकन्स वगैरह तो आप आराम से एक्सेस वैक्सेस कर लोगे और आपका काम बन जाएगा, बट थोड़ा इंप्रूव यहाँ पे हो सकता था इसका यूजर इंटरफेस। नंबर 3, डीजो एप्लीकेशन। तो डीजो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप आराम से अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हो, सारी चीजें वेल पॉलिश्ड है, सब कुछ आपको प्रेजेंट मिल जाएगा, आप स्क्रॉल कर लोगे, सिंक हो जाता है वॉच ऐप के साथ आराम से, बट एट द सेम टाइम कुछ कुछ चीजें मिसिंग सी है, जैसे कि आप आउटडोर रनिंग के लिए डेटा सिंक नहीं कर सकते GPS का अपने वॉच के साथ, और आप कुछ कुछ मोड्स वगैरह को ज़्यादा ट्वीक नहीं कर सकते एप्लीकेशन में जा करके, और मोड्स वगैरह अगर आपको स्टार्ट करने हैं जैसे कि वर्कआउट स्टार्ट करना है तो आप ऐप से नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल यहाँ पे भी थोड़ी पॉलिशमेंट और लाइक इम्प्रूवमेंट की डेफिनेटली ज़रूरत है, वैसे आप पक्का लग रहा है कि दोस्ती टूटी जाएगी। तो अंतिम निष्कर्ष ये निकलता है इस चीज़ का कि अगर आप इसको वर्कआउट एक्यूरेसी के लिए या फिर आउटडोर वर्कआउट के लिए, आउटडोर रनिंग के लिए, आउटडोर साइकिलिंग के लिए, या फिर किसी भी तरह का कूद फान वाला एक्टिविटी के लिए खरीदना चाह रहे हो, इन दैट केस ना बाबा ना तौबा, एकदम बिल्कुल मत खरीदना, बिल्कुल भी वर्थ नहीं रहेगा ये। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पे, यानी कि लुक्स, डिजाइन, डिस्प्ले और एक प्रीमियम क्वालिटी का स्मार्ट वॉच, जो लोग नोटिस करें तो आपको बोले कि हाँ भाई कौन से स्मार्ट वॉच यूज कर रहा है, वो वाले लोगों के लिए ये वॉच एकदम बेस्ट रहेगा, और उनको थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का हेल्थ मॉनिटरिंग चाहिए, मतलब उतना इनडेप्थ डेटा नहीं चाहिए, तो उनके लिए ये बेस्ट रहेगा। बट फिटनेस एक्यूरेसी के लिए ये वॉच एकदम भी रिकमेंडेड नहीं है, बट डिजाइन, लुक्स और लाइक प्रीमियम क्वालिटी के लिए, शो ऑफ के लिए ये वॉच फुल्ली रिकमेंडेड है। तो चलो फिर इस वीडियो से जानो कि स्मार्ट बैंड क्यों बेटर होते हैं स्मार्ट वॉच से, और हाँ, जाने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। पीस आउट, बाय।